हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 5813 कोटा से यमुना ब्रिज आगरा के मध्य चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के बारे में। दोस्तों, रेलवे द्वारा अब इस ट्रेन को 1 अक्टूबर से कोटा और 4 अक्टूबर से आगरा फोर्ट से नए स्पेशल नंबर के साथ चलाया जा रहा है और वह स्पेशल नंबर है 05913 05914। और दोस्तों, यह है एक प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन है। और दोस्तों, बात की जाए इस ट्रेन के कंपोजिशन की, तो इस ट्रेन के कौन कौन से कोचेस होंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस ट्रेन के ट्रैक्शन की। कोटा से यमुना ब्रिज आगरा और आगरा फोर्ट से कोटा तक एंड टू एंड इस ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब बात करते हैं इस ट्रेन के नए टाइम टेबल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं 05913 कोटा से यमुना ब्रिज आगरा के मध्य चलने वाली ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। यह ट्रेन 8:15 पर कोटा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। 8:24 पर यह ट्रेन गुरला जंक्शन पहुँचेगी। 8:25 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 8:45 पर यह ट्रेन अरनेथा पहुँचेगी। 8:46 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 8:54 पर यह ट्रेन कपरेन पहुँचेगी। 8:55 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 9:04 पर यह ट्रेन घाटका वाराणा पहुँचेगी। 9:05 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 9:23 पर ट्रेन लखेरी पहुँचेगी। 9:25 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 9:45 पर ट्रेन अमली पहुँचेगी। 9:46 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 10:09 पर ट्रेन कुशताला पहुँचेगी। 10:10 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 10:20 पर ट्रेन सवाई माधोपुर जंक्शन पहुँचेगी। 10:25 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 10:44 पर ट्रेन मखौली पहुँचेगी। 10:45 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 10:59 पर ट्रेन मलारना पहुंचेगी और सही 11 वहाँ से डिपार्चर लेगी। 11:44 पर ट्रेन ललपुर उमरी पहुंचेगी और 11:45 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 12:15 पर ट्रेन गंगापुर सिटी पहुंचेगी और 12:20 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 12:40 पर ट्रेन पिलोदा पहुंचेगी और 12:41 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 13:04 पर ट्रेन सिकरौदा पहुंचेगी और 13:05 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 13:30 पर ट्रेन दिंदौरा पहुँचेगी और 13:31 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 13:54 पर ट्रेन दुमारिया पहुँचेगी और 13:55 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 14:57 पर ट्रेन नगलातुला पहुँचेगी। 14:58 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 15:14 पर ट्रेन दाना खेरली पहुँचेगी और 15:15 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 15:30 पर ट्रेन ओलैंदा पहुँचेगी और 15:31 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 15:48 पर ट्रेन सिंगारपुर पहुँचेगी और 15:59 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 16:14 पर ट्रेन पठौली पहुँचेगी। 16:15 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 16:50 पर ट्रेन आगरा फोर्ट पहुँचेगी और 16:55 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। और सही 17:20 पर यह ट्रेन अपने डेस्टिनेशन यमुना ब्रिज आगरा रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 05914 आगरा फोर्ट से कोटा के मध्य चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। यह ट्रेन 6:20 पर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। 6:49 पर ट्रेन पठौली पहुंचेगी। 6:50 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 7:06 पर ट्रेन किरौली पहुंचेगी। 7:07 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 7:21 पर ट्रेन फतेहपुर सिकरी पहुंचेगी। 7:22 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 7:36 पर ट्रेन रुपवास पहुंचेगी। 7:37 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। उसके बाद दोस्तों, 7:51 पर ट्रेन बंसी बहारपुर पहुंचेगी। 7:52 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 8:07 पर ट्रेन बंद बरेटा पहुंचेगी। 8:08 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 9:48 पर ट्रेन बयाना पहुंचेगी। 9:50 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 9:59 पर ट्रेन दुमारिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। सही 10 वहाँ से डिपार्चर लेगी। 10:09 पर ट्रेन फतेह सिंहपुरा पहुंचेगी। 10:10 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 10:36 पर ट्रेन सिकरौदा पहुंचेगी। 10:37 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 10:52 पर ट्रेन खांदी पहुंचेगी। 10:53 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 11:09 पर ट्रेन छोटी ओडाई पहुंचेगी और 11:10 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। उसके बाद दोस्तों, 11:20 पर ट्रेन गंगापुर सिटी और 11:25 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 11:54 पर ट्रेन निबोदा पहुंचेगी और 11:55 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी। 12:14 पर ट्रेन मखौली पहुंचेगी और 12:15 पर वहाँ से डिपार्चर लेगी।
12:55 पर ट्रेन सवाई माधोपुर जंक्शन और सही 13:62 पर चलेगी। 13:28 पर ट्रेन अमली पहुँचेगी और 13:29 पर 62 पर चलेगी। 13:52 पर ट्रेन लखेरी पहुँचेगी और 13:54 पर 62 पर चलेगी। 14:34 पर ट्रेन कपरेन पहुँचेगी और 14:35 पर 62 पर चलेगी। 15:19 पर ट्रेन गोरला जंक्शन पहुँचेगी और 15:20 पर 62 पर चलेगी। और सही 16:20 पर यह ट्रेन अपने डेस्टिनेशन कोटा रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगी।